हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था, नाउ अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं केनिजारो रिएक्शन, जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो देखते हैं बच्चों केनिजारो रिएक्शन के बारे में। इट इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक टाइप का क्या है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। अब ये एक टाइप का आपका रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, तो इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, जहां पर HCHO आपका कहां कन्वर्ट होगा, CH2OH में, और यहां पर आपका CHCOOH में। अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया और अगर मैंने रिडक्शन कराया, तो यहां पर आपका रिडक्शन फिनोमिना है, ठीक है, और यहां पर आपका ऑक्सीडेशन फिनोमिना है। तो इसीलिए ये आपका एक टाइप का क्या है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से करेंगे। नाउ अब हम समझते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिएक्शन आपका होता क्या है। तो रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो देखो रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराया, इसका मैंने 2 मोल लिया, इसका मैंने बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो आपका होगा क्या, देखो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HC, यही कार्बन आपका एक तो कार्बोक्सिलेट आयन में और एक आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में। अगर मैंने यहां पर 2 मोल PHCOH ले लिया और इसका मैंने OH माइनस के साथ रिएक्शन कराया, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PHCH2OH में, और साथ में क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका PHCOO- में। नाउ मैंने अगर एक और क्वेश्चन लिया, यहां पर मैंने ले लिया Me3CCOH, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, आप ध्यान से समझना बच्चों, मैं आपको बताऊंगा अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट। तो यहां पर Me3CCH2OH और यहां पर क्या बन जाएगा, Me3CCO-, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों रिएक्शन में यहां पर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहां पर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और यहां पर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तीनों जगह आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जब आपके तीनों जगह अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो क्या होगा बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन जब आपका प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। जब आपका अल्फा हाइड्रोजन अगर आपका एब्सेंट होता है तो फर्स्ट स्टेप आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर बेटा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये क्या हो जाता, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता, तो ये आपका क्या हो जाता, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका केनिजारो, काफी इजी रिएक्शन है अगर हम ध्यान से समझेंगे तो। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, काफी इजी है मैकेनिज्म, फिर हम उसकी काइनेटिक्स को समझेंगे। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म सेक्शन। तो मैकेनिज्म सेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले अगर मैंने यहां पर ये ले लिया, अब इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करा दी, ये यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, HCO- H, यहां पर OH। नाउ फर्दर अगर मैंने इसकी ये यहां जाएगा और यहां से इस बार ये अपने ही तरह किसी मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर HC OH और यहां पर आपका HCCHH, यहां पर O-। अब यहां से आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, अब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, HCOO- और यहां पर CH3OH। अब बात को ध्यान से समझेंगे, दिस स्टेप इज RDS स्टेप, ठीक है, ये अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेल्फ केनिजारो। तो एक और क्वेश्चन में हम इस मैकेनिज्म को लगा के देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ये अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ करेगा तो ये हो जाएगा हमारा सेल्फ केनिजारो।
तो देखते हैं बच्चों, PHCOH, ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन मैंने HCOH के साथ करा दिया, ठीक है। अब मैंने अगर यहां पर OH माइनस, कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, HCO माइनस OHH, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में PHCOH, अब ये नीचे जाएगा, यहां से हाइड्राइड आपको यहां शिफ्ट होगा जी, और ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहां पर पी एच सी ओ माइनस, और यहां पर एच, यहां पर एच। अब ये हाइड्रोजन आपका यहां शिफ्ट होगा, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, एच सी ओ ओ माइनस, और यहां पर पी एच सी ओ एच सी एच टू, यह बनेगा। अब ये देखो, अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या है बच्चों, क्रॉस कैनिजारो, ये आपका क्या है बच्चों, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, और ये क्या है बच्चों, आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, अपने ही तरह मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्टेप यहां पर भी आरडीएस, और ये आपका इक्विलिब्रियम में होता है, ये आपका के इक्विलिब्रियम, और ये आपका के इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करूं, तो इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को हम समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हमारा क्या होगा बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। देखो, आरडीएस स्टेप से हम क्या निकालेंगे, रेट लो, तो अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिख दिया बच्चों मैंने, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ, या यहां पर इसके साथ, दोनों में से किसी एक का निकालेंगे तो दोनों का सिमिलर होगा, तो मैं ऊपर वाले का निकालता हूं, ठीक है, तो इसके साथ। अगर मैं यहां पर के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, तो के इक्विलिब्रियम में आपका प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, एच सी ओ माइनस एच और ओ एच, और हम रिएक्टेंट को कहां लिखते हैं बच्चों, नीचे लिखते हैं, तो एच सी एच ओ, और क्या आ जाएगा बच्चों, ओ एच माइनस। अगर मैंने देखो यहां पर ये वाला है, इसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूँ के इक्विलिब्रियम के टर्म में, तो के इक्विलिब्रियम के टर्म में मैंने निकाल दिया, तो एच सी एच ओ, और यहां पर क्या जाएगा, ओ एच माइनस, और अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एच सी ओ माइनस एच ओ एच। अब ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, के इक्विलिब्रियम एच सी एच ओ का स्क्वायर और ओ एच माइनस, तो यहां से आपको कितने ऑर्डर दिख रहा है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड, तो आपका कैनिजारो का जो काइनेटिक्स होता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। और कैनिजारो में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर अब हम इसका एक और प्रपोज्ड मैकेनिज्म है बच्चों, डाई एनायन मैकेनिज्म, तो उसको भी समझ लेते बच्चों, डाई एनायन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, तो देखते बच्चों अब हम डाई एनायन मैकेनिज्म के बारे में। तो अगर मैंने लिख दिया डाई एनायन मैकेनिज्म, डाई एनायन मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, यह आपका कब कब आपका प्रोसीड होगा, जब ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 80% से ज्यादा होगा, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, कब होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तब आपका डाई एनायन मैकेनिज्म होगा, चाहे मैं एक में लगाऊ चाहे मैं दो में लगाऊ, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं चाहे मैं सेल्फ करूं चाहे मैं क्रॉस करूं, दोनों में सिमिलर होगा। तो अभी मैं सेल्फ के बारे में बताता हूं बच्चों, इसी में देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ओ एच माइनस आपका यहां अटैक करेगा और ये आपको ऊपर जाएगा। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर एच सी ओ एच ओ माइनस एच, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये अपने ही तरह, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये अब नीचे जाया करता था, लेकिन ये अब नीचे नहीं जाएगा, यहां पर ओ एच माइनस इस एच को ट्रैप कर लेगा। तो यहां पर हमने, अभी देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर हमने डाई एनायन का फॉर्मेशन कर लिया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, डाई एनायन का।
अब यहां पर मैंने डाई एनायन का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ आप क्या करेंगे बच्चों, HCOH को मैं, अब देखो यहां से ये नीचे जाएगा तो यहां से हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा HCOO-। अब देखो यहां पर आपका क्या बना CH3O-। अब देखो CH3O- को अगर मैंने वाटर के साथ मैंने ट्रीट कर दिया, जो यहां से वाटर आपका बाहर निकला था, इस वाटर के साथ मैंने अगर यहां पर ट्रीट कर दिया तो यहां पर CH3OH। और अगर मैं फिर से देखूं तो यहां पर देखो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका कौन सा फिनोमिना है बच्चों, रिडक्शन, और ये आपका कौन सा फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैसे ही हुआ लेकिन डाई एनायन मैकेनिज्म, तो डाई एनायन मैकेनिज्म में कितने इक्विलिब्रियम स्टेप है बच्चों, दो इक्विलिब्रियम स्टेप, और थर्ड आपका कौन सा है बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग, जो कि आपका क्या है बच्चों, आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप क्या होता है, हाइड्राइड का शिफ्टिंग, मतलब हाइड्राइड यहां से वहां चला जाएगा, हाइड्राइड टू ट्रांसफर, हाइड्राइड टू ट्रांसफर स्टेप इज कॉल्ड व्हाट, आरडीएस स्टेप, इन बोथ टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आरडीएस स्टेप आपका कौन सा होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इस रिएक्शन की अब काइनेटिक्स की बात करूं तो देखते बच्चों काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, तो अगर मैं सोल्व आपको करना है क्योंकि मैंने एल्डोल में काफी प्रैक्टिस कराई है, तो अब आपको सोल्व करना है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अब रेट लो के अकॉर्डिंग में बात करूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम रेट लो कहां लगाएंगे, आरडीएस स्टेप में। तो यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से बच्चों, एच सी ओ माइनस मतलब डाई एनायन, इसको मैं सीधा लिख देता हूं बच्चों, डाई एनायन, डाई एनायन है और साथ में क्या बच्चों, एच सी ओ ओ एच, ठीक है। अब यहां पर के इक्विलिब्रियम वन में लिखता हूं, अब देखो के इक्विलिब्रियम वन यहां पर है, तो के इक्विलिब्रियम वन में क्या है बच्चों, एच सी ओ माइनस एच, और ये आपका ओ एच, और नीचे आपका क्या है बच्चों, यहां पर एच सी एच ओ, और यहां पर आपका ओ एच माइनस, इस तरीके से है। अब यहां पर मैं के इक्विलिब्रियम टू लिखता हूं, ठीक है, के इक्विलिब्रियम टू कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर आपका डाई एनायन है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट क्या है बच्चों, रिएक्टेंट देखो एच सी ओ माइनस एच ओ एच, ठीक है, और यहां पर आपका ओ एच माइनस। अब देखो ये आपका वन टू थ्री, वन टू थ्री को जब हम इसके अंदर पहले डाई एनायन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर ये बन के आएगा, फिर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा। और सोल्व आपको करना है बच्चों, ये सोल्व आपको करना है क्योंकि मैंने इस टाइप का काफी सोल्व करा है। तो यहां पर दो, तो यहां पर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर फोर। तो ध्यान रखना एल्डोल के केस में अगर मैंने डायल्यूट मतलब ज्यादा डायल्यूट और एक्सेस अमाउंट में OH- लिया था, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तीन से दो हो गया था, लेकिन अगर मैंने यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड OH- लिया तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका थ्री से फोर हो गया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब लास्ट टाइम जेईई ने इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन के बारे में, तो देखते बच्चों रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन कौन कौन से होंगे, देखते बच्चों ध्यान से, रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन पे बेसिस क्वेश्चन पूछा था, रेट ऑफ केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी ऑन डाई एनायन, चार्ज डेंसिटी ऑन डाई एनायन। अब डाई एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब हम देखते बच्चों यहां पर क्वेश्चन, तो अब ये है मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक मेरे पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, एक मेरे पास यहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक मेरे पास यहां पर ये क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब अगर मैंने इस पर OH- का अटैक कराया तो यहां से क्या बनेगा, यहां पर आपका ये आपका डाई एनायन किससे बना होगा, ये आपका PHCHO से बना होगा। देखो OH- का अटैक कराओ, देखो यहां पर अगर मेरा यहां पर इससे जो डाई एनायन क्या बनेगा बच्चों, ये वाला बनेगा, इससे जो डाई एनायन बनेगा मेरा ये वाला बनेगा, इससे क्या बनेगा बच्चों ओ माइनस ओ माइनस, और ये आपका एच, यहां पर भी ओ माइनस एच, इस टाइप का डाई एनायन इन मॉलिक्यूल से बनेंगे। अब बताओ
तीनों में कौन सा डायनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखो ये आपका प्लस एम है, ये आपका प्लस एम है मतलब देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो जो आपके चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा वो आपका डायनायन मतलब वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा देगा, तो बी की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर ए का होगा, फिर सी। सी में तो डायनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी थियरी था वो पूरा कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, तो एक दो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं केनिजारो रिएक्शन पे बेसिस, तो एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जाम्पल को इसको डील करेंगे। तो एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, देखो अगर मुझे यहाँ पर हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। अब फॉलोइंग रिएक्शन मतलब कौन से रिएक्शन में आपका कितना प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर लिख दिया PHCOH और यहां पर HC डबल बॉन्ड OH, अगर इसकी रिएक्शन मैंने OH माइनस के साथ कराई तो अब यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताना है। लेकिन ऐसा तो मैंने आपको कराया था। ठीक है, अब देखो यहां पर OH माइनस यहां जाएगा, यहां पर ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा HCO माइनस, यहां पर H, यहां पर OH, फिर यहां से आपका हाइड्रेट शिफ्ट होगा किसके पास, PHCOH के पास, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा देखो जो हाइड्रेट शिफ्ट करेगा वो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और जी जिसके पास हाइड्रेट आएगा वो आपका यहां पर CH2OH। तो यहां पर देखो, यहां पर तो ये दोनों जो सेट है वो आपके मेजर प्रोडक्ट के। ठीक है, और यहां पर ऐसा भी तो होगा ये आपका क्रॉस केनिजारो का है। ठीक है, क्रॉस केनिजारो और यहां पर आपके चार सेट बनेंगे यहां पर सेट वन तो वो हो गया बच्चों। सेट टू की बात कर लेते हैं, सेट टू आपको क्या होगा, यहां पर OH माइनस अगर आपको यहां अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो ये आपका इस तरीके से बना लेगा। ठीक है, और साथ में आपका क्या बनेगा CH3OH। अगर मैं सेट थ्री की बात करूंगा तो सेल्फ के निजार होगा, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, अगर यहां पर ये अपने ही, यहां पर इसका सेल्फ के निजारो भी हो सकता है तो यहां पर क्या बनेगा CH3OH और यहां पर HCOO- इस तरीके से। अब देखो कुछ आपके से, ये दोनों आपके सेल्फ के निजारो से बने प्रोडक्ट और ये वाला आपका क्रॉस के निजारो। तो देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देखो ये आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट, ये आपका दो बार रिपीट हो रहा है ये हो गया आपका कितना दो प्रोडक्ट, ये आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया तीसरा प्रोडक्ट, और ये आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया चार प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म कितने बच्चों, चार, लेकिन चार में से दो आपका मेजर होगा, दो आपके मेजर होंगे और दो आपके माइनर होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, देखो यहां पर HCHO CHO, इसकी रिएक्शन मुझे OH माइनस के साथ कराना है। देखो क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे पहले वो चेक करेंगे क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है। देखते हैं बच्चों, यहां पर अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर हमारा क्या होगा बच्चों, केनिजारो। तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों, अब हम ध्यान से देखो ये आपका इस तरीके से होगा, इसकी रिएक्शन मैंने अगर OH माइनस के साथ कराया तो ये यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों HCO CO- HOH। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे आएगा, यहां से आपका हाइड्रेट शिफ्ट करेगा यहां पर और ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों HCO- C O और यहां पर OH। नाउ अब यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे ही आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा OH, यहां पर C O- O-। अगर यहां पर मैंने Na लिया होता तो यहां पर आपका क्या बनता Na। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा इसमें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखो इसी में मैं एक और रिएक्शन की बात करता हूं, इसी में मैंने यहां बात कर लिया पीएच सीओ सीओ एच। अब बताओ बच्चों कहां अटैक करेगा ओ एच माइनस, इस साइड में तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका कम होता है, तो कहां अटैक करेगा ध्यान से समझना। अब इस बार यहां अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर पीएच सीओ सीओ माइनस एच और ये आपका ओ एच। नाउ अब ये आपका यहां जाएगा और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों पीएच सीओ माइनस सी डबल बोन्ड ओ एच। नाउ अब आपका एक प्रोटोन का ट्रांसफर होगा, तो यहां पर पीएच सी ओ एच सी डबल बोन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब ध्यान से देख लोगे जो हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है वो आपका कार्बोक्सिलेट आयन में, जो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर रहा वो आपका किसमें बन रहा है बच्चों एल्कोहल में। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन समझते हैं एक और, फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, इसके दो तीन क्वेश्चन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये मैंने ले लिया यहां पर सी एच ओ, ये मैंने ले लिया यहां पर सी एच ओ, ये मैंने ले लिया बच्चों यहां पर सी एच ओ, यहां पर सी एच ओ। अब आप लोग जानते हो कि क्या ये आपके एक ही प्लेन में होंगे, ये आपके एक ही प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, ड्यू टू द एस आई आर। यहां पर आपको क्या क्या लगेगा बच्चों एस आई आर, यहां पर भी आपका क्या लगेगा बच्चों एस आई आर, ड्यू टू द एस आई आर, ये आपका एक प्लेन में नहीं होगा, ये आपका अलग प्लेन में होगा। और ध्यान रहे हाइड्राइड शिफ्टिंग हाइड्राइड ट्रांसफर ट्रांसफर इज हाइड्राइड ट्रांसफर ऑलवेज हैपन इन सिमिलर प्लेन, हाइड्राइड ट्रांसफर आपका सिमिलर प्लेन पे होगा, मतलब ये दोनों आपके एक प्लेन पे होंगे, ये दोनों आपके एक प्लेन पे होंगे, ये दोनों आपके ये वाला एक प्लेन पे नहीं होगा। तो यहां से हाइड्राइड यहां जा सकता है और यहां से हाइड्राइड यहां जा सकता है। इसी तरीके से आप देखो ओ एच माइनस ने यहां अटैक किया तो यहां से हाइड्राइड यहां जाएगा, अगर ओ एच माइनस ने यहां अटैक किया तो यहां से हाइड्राइड यहां जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों ध्यान से समझें, जो आपका हाइड्राइड देता है वो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, तो ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, NaOH के साथ कराना है बच्चों, तो यहां पर O- Na+। अब यहां पर क्या बनेगा, जो आपका हाइड्रेट लेता है वो आपका अल्कोहल बनाता है। सिमिलर अगर मैं बात करना चाहूं कि यहां पर इसने OH- लिया, जो ये आपका मतलब क्या देगा हाइड्रेट देगा, हाइड्रेट देगा, तो इस तरीके से जहां पर ध्यान से समझना, यहां से लिया तो ये आपका हाइड्रेट दे रहा है, हाँ इसमें यह आपका दे रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O O माइनस एन ए प्लस, यह आपका हाइड्रेट देगा और यह आपका हाइड्रेट लेगा, तो यहां पर एल्कोहल। इस तरीके से आपका यहां पर रिएक्शन का प्रोग्रेस होता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, अब हम यहां पर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे सी सी एल थ्री ओ एच, क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यह 100% आपका क्या देगा, 100% यह आपका केनिजारो रिएक्शन देगा, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ये आपका केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर OH- है, OH- अगर यहाँ अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, O- और ये आपका H- आपका नीचे जाएगा तो ये आपका बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी H- से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज बाय बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, माइनस चार्ज विल बी नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज बाय नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग के थ्रू आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसीलिए आपका यहां पर ये वाला प्रोग्रेस होगा। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आए होंगे, सो थैंक यू सो मच।